दोस्तों मैं जितेंद्र टेकवॉम से बोल रहा हूँ। आज मैं जेन मोबाइल का सिनेमैक्स 3 स्मार्टफोन जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है उसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। ये सिनेमैक्स 3 का बॉक्स है, ये इस ब्यूटीफुल बॉक्स में आता है और इस बॉक्स के पीछे जो भी इसके फीचर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से मैंशन किए गए हैं, जैसा कि 2 GB रैम एंड्रॉयड लॉलीपॉप के साथ चलता है, 16 GB इंटरनल मेमोरी, 5.5 इंच IPS डिस्प्ले, 1.3 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर, 5 मेगापिक्सल ऑटो फोकस कैमरा एट्सेट्रा, जो जिसकी कि मैं अभी बात करने जा रहा हूँ आपसे। और इसकी प्राइस दिखाई गई है इस बॉक्स में 5999, जबकि ये फ़ोन लॉन्च किया गया है 5500 का, टू बी प्राइस 5499 यानी कि 5500। अब हम देखते हैं कि इस फ़ोन इस बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है। मैंने इस बॉक्स को ऑलरेडी खोल दिया है और मेरे को इस बॉक्स में मिला है ये एक हैंडसेट, और इसका जो बैक पैनल है वो रिमूवेबल है और इसकी जो बैटरी है वो सेपरेट दी गई है। ये देखिए, ये बैटरी सेपरेट है जो कि रिमूवेबल है, और इसको जब हम लगाएंगे तो तभी आपका फ़ोन चलेगा। ये मैंने अभी बैटरी लगा दी है और अभी ये इसको मैं अभी बूट करूंगा। और इसके अलावा जो कंपनी प्रोवाइड करती है वो है एक ईयरफोन्स, ये देखिए ये अडैप्टर है, ये डाटा केबल है जो कि इस बॉक्स में है, और ये डॉक्यूमेंटेशन है, वारंटी कार्ड, यूज़र मैनुअल, और ये स्क्रीन प्रोटेक्टर है, और ये इसका बैक कवर का के प्रोटेक्शन के लिए ये दिया गया है। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। और अब मैं इस फ़ोन को बूट करता हूँ और इसको आपको इसके और फीचर्स के बारे में बताता हूँ। दोस्तों इस फ़ोन को बूट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये डुअल सिम फ़ोन है और इसमें 2 स्लॉट दिए गए हैं आपको 2 सिम डालने के लिए, और एक डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है माइक्रो एसडी कार्ड के लिए, जिससे कि आप इसकी जो 16 GB की इंटरनल स्टोरेज है उसको आप 32 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अब मैं इसको फ़ोन को बूट कर रहा हूँ और इसका अब रिव्यू इसको करने जा रहा हूँ, इसके क्या क्या फीचर्स हैं और वो कैसे परफॉर्म करते हैं। दोस्तों इसके फीचर्स से जाने से पहले मैं आपको इसके डिज़ाइन के बारे में बताना चाहता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये सैंडस्टोन टेक्सचर इसका बैक पैनल दिया गया है, जिसमें कि आपके स्मजेस और कोई भी निशान पड़ने के कोई चांस नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको और प्रोटेक्शन चाहिए तो कंपनी ये इसमें बैक पैनल दे रही है जो कि अच्छी क्वालिटी का है, ये आप लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल नहीं लगा रहा हूँ ताकि आपको ठीक ठाक से मैं इसको आपको प्रोडक्ट को दिखा सकूँ। और जहाँ तक बात करें तो इसके राइट हैंड साइड पे पावर बटन दिया गया है और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे वॉल्यूम रॉकर है, और जो इसके बैटरी और इसका सिम स्लॉट्स हैं वो मैंने अभी आपको दिखाई दिया कि उसके अंदर है। और इसके ऊपर जो है ये आपका चार्जिंग स्लॉट है और ये आपका ईयरफोन्स के लिए स्लॉट दिया गया है। और जहाँ तक इसकी बात करें तो ये फ़ोन थोड़ा सा मेरे को बड़ा लग रहा है, क्योंकि इसकी स्क्रीन 5.5 इंच है और आपको थोड़ा सा, अगर आपके हाथ छोटे हैं तो थोड़ा सा आपको चलाने में इसमें दिक्कत आ सकती है एक हाथ से, वरना ये फ़ोन ठीक ठाक है। और इसकी अगर स्क्रीन की बात करें तो ये 5.5 इंच की इसमें IPS डिस्प्ले है, जिसका कि रेजोल्यूशन है 480x854 pixels। इसकी सनलाइट विजिबिलिटी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, हालांकि इस रेंज में आपको ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। और इसमें बाकी ये आपका ठीक ठाक स्क्रीन है इस रेंज में, और जो इसका प्रोसेसर है वो है स्प्रेड टर्म का SC7731, जो कि जिसका क्लॉक स्पीड है 1.3 GHz, और ये क्वाड कोर प्रोसेसर है, और इसमें 2 GB रैम और 16 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है जिसको कि आप एक्सटेंड कर सकते हैं 32 GB तक। अब जहाँ तक इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने इसमें काफ़ी गेमिंग्स की हैं, हालांकि हाई इंटेंसिव गेम्स या जिसमें ज़्यादा ग्राफिक्स हो उसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि वो उसमें ये थोड़ा सा फ़ोन लैग करता है
वो भी प्रोसेसर की वजह से। लेकिन अगर लो इंटेंसिटी की आप गेम खेलें तो वो आप ठीक ठाक चलेगी। एक जो मेरे को चीज़ इसमें बहुत ही अच्छी लगी वो ये है कि ये फ़ोन में ये हीटिंग मैंने कोई इसका ऑब्जर्व नहीं किया है, हालांकि मैंने काफ़ी इसमें क्लिक्स लिए हैं, मैंने गेम्स खेली हैं, मैंने वीडियोस चलाए हैं और मैंने वेब ब्राउजिंग की है। हालांकि वेब ब्राउजिंग में कभी कभी जब आप क्रोम में चलाते हैं तो कभी कभी आपको इसमें थोड़ा सा लैग लग जाता है और थोड़ा टाइम लेती है ये लाने में। ये शायद इसके प्रोसेसर का इशू हो सकता है। और इसमें जो एक बहुत अच्छा फीचर दिया गया है वो है इसका SOS फीचर, वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। SOS फीचर में आप 3 प्री डिटर्मिंड, आप इसमें 3 रेसिपिएंट्स के नंबर आप स्टोर कर सकते हैं और इन द इवेंट ऑफ एमरजेंसी आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपके साथ कुछ एमरजेंसी हो गई है। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है। और मैं एक बात दोस्तों आपको और बताना चाहता हूँ कि इसके जो नेविगेशन इसके बटन्स हैं वो बैकलिट नहीं हैं, बट आप जब आप यूज़ टू हो जाएंगे तो आपको पता है कि आपने पीछे जाने के लिए यहाँ प्रेस करना है। और तो ये भी आप इसको भी इशू को भी आप खुद ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और जहाँ तक इसके कैमरे की बात करें तो ये जो फ़ोन है ये 5 मेगापिक्सल ऑटो फोकस और विद फ्लैश के साथ आता है। और इसमें मैंने कुछ क्लिक्स लिए हैं और ये काफ़ी ठीक ठाक मेरे को तो क्लिक्स लगे हैं। अब देखिए इस रेंज में, ये देखिए ये मैंने डे टाइम में लिए हैं, सभी क्लिक्स डे टाइम में हैं। और एवरेज अगर इसकी क्वालिटी देखें तो ये ठीक ठाक है, हालांकि बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन 5500 रुपये के फ़ोन में आपको इससे बढ़िया एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। और इसका जो फ्रंट का कैमरा है वो है 3.2 मेगापिक्सल का, इसमें आप ठीक ठाक सेल्फी ले सकते हैं और ये सोशल मीडिया के लिए ठीक ठाक रहेगी आपकी। और इसकी जो एक और मेरे को बहुत जो इसका प्लस फीचर लगा है वो है इसकी 2900 mAh बैटरी। और इसमें अब मैंने देखिए इसको फ़ोन को चलाया है करीबन 10 दिन और मैंने ये देखा है कि 2900 mAh बैटरी पूरे दिन चल जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको हैवीली इसको यूज़ नहीं करते हैं, अगर आप मॉडरेट यूज़ करते हैं। अब मैंने इसमें टेस्ट करने के लिए मैंने 2 दिन काफ़ी इसमें गेम्स चलाई, मैंने वीडियो चलाए, मैंने कुछ क्लिक्स खींचे और वेब ब्राउजिंग की, तो मेरा ये फ़ोन ठीक ठाक पूरा दिन चला है। यानी कि पूरा दिन का मतलब है सुबह चार्ज किया तो ये रात तक चल गया, और ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। और जो आपको शायद जो चीज़ नहीं अच्छी लगेगी वो इसका साइज़ है, और ये देखने में थोड़ा थोड़ा बड़ा लगता है, ये शायद इसके डिज़ाइन के वजह से है। लेकिन 5500 में ये फ़ोन ठीक ठाक है, हालांकि इसमें आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल इसकी अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फ़ोन ठीक ठाक चलेगा। और इसका बैटरी जो बैकअप है वो बहुत अच्छा है। और अगर आपका बजट बहुत लिमिटेड है, 5500 तक है, तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि इसमें 4G कनेक्टिविटी नहीं है लेकिन 3G ये एनेबल्ड फ़ोन है और ये एंड्रॉयड लॉलीपॉप 5.1 पे चलता है। हालांकि मार्शमेलो अब लेटेस्ट तो खैर नहीं, लेकिन लेटेस्ट से पहले का वर्शन है जो कि इसमें प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें तो 5500 में ये बैड डील आपके लिए नहीं होगी और आप इसको देख सकते हैं अगर आपका बजट बिलो 6000 है। तो मेरी तो राय ये है कि ये फ़ोन का कैमरा डिसेंट तो कहना शायद मुश्किल होगा लेकिन ठीक ठाक है, और बैटरी इसकी अच्छी है, डिस्प्ले इसका ठीक ठाक है, और आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे वीडियो चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरा ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं techwom.com। मैं अब साइन ऑफ कर रहा हूँ और एक बार आपका और शुक्रिया करना चाहता हूँ। थैंक यू एंड बाय बाय।